आज क्यों लेट हो? क्या एक्सक्यूज है इस बार? मैम एक्सक्यूज नहीं है, हम तो आप ही के कारण लेट हुए। अच्छा, मेरे कारण? यस मैम, वो आप कहते ना कि सारे रूल्स फॉलो करो, तो हम जैसे रोड क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ लिखा था कि आगे स्कूल है, कृपया धीरे चले, तो हम धीरे धीरे आए। दोस्तों आजकल हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि टेंशन हमें चारों तरफ से घेर लेती है। डिप्रेशन एक आम बात हो चुका है और इसे दूर भगाने के लिए लोग डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं और आप भी किसी ऐसी ही परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा की तरह हम आज भी आपके लिए लेकर आए हैं कमाल की फनी वीडियोस, जिन्हें देखने के बाद आप हंसने लग जाएंगे और अपनी टेंशन को भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, स्वागत है एक बार फिर से हमारी वीडियो में। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आप अब खूब सारा हंसने वाले हैं। ओह, चांद पर चल रहे हैं ये महाशय? अरे ये क्या, चांद पर ऑटो, यही सोच रहे हैं ना? तो जरा वीडियो को पूरा देख लीजिए, आप हंस हंस के लोटपट हो जाएंगे। हमारी पापा की परी का एक और कमाल देखिए। मैडम को पुलिस वाले ने रोकने के लिए हाथ किया, लेकिन मैडम के पीछे बैठी पापा की परी ने पुलिस वाले को हाई फाई दिया और वहां से 9-2-11 हो गई। इधर पुलिस वाला बेचारा सोच रहा है ये क्या हुआ बे? अगर एग्जाम हॉल में कोई भी आपकी कॉपी में से नकल कर रहा है तो इसका क्या इलाज है, ये इन माशे से सीख लीजिए। जी हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। अब एक चूहे के चलते होटल के रूम में कितनी अफरा तफरी मची हुई है ये तो आप इस वीडियो को देखकर ही समझ लेंगे। लेकिन यह चूहे के साथ साथ टॉम एंड जेरी कम इंग्लिश और भी बहुत कुछ है, आप बस इस क्लिप को ही देख लीजिए और हंसिए। हेलो, excuse me, actually my English is not good. Okay. You know Tom and Jerry? Yes, the cartoon? Yeah, Jerry is here in my room. I'm sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room? Yeah. Please, come here and when you come here, bring Tom with you. We don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay. और हाँ, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहाँ से हैं और हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों इन लड़कों को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं? बोर्ड और फोन को देखकर नहीं समझे? कोई ना, मैं बता देता हूँ, ये उन लड़कियों को सोशल मीडिया पर तलाश कर रहे हैं जिनका नाम बोर्ड पर विद परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है, पर इन बालकों को सिर्फ लड़कियों के नाम से मतलब है, नंबर वंबर से नहीं। नो 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 नो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब ये मैडम जी से मिलिए जो एक साथ 3-3 लड़कों से वीडियो कॉल कर रही हैं। कैसे? अब आप खुद ही देख लीजिए हमारी दीदी का हट के कुछ अंदाज।
दोस्तों इस क्लिप को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। समझ रहे हो आप? अब जरा टीचर की हर बात को फॉलो करने वाले इन छात्र से भी मिल लीजिए, जिनके पास लेट होने का कुछ अलग ही रीजन है। दरअसल टीचर पूछती है कि आज कैसे लेट हो गए, आज लेट आने का कौन सा रीजन है तुम्हारे पास? तो हमारे होनहार छात्र कहते हैं कि टीचर जी हम तो आपकी वजह से ही लेट हुए हैं। अरे भाई वाह, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, ये स्टूडेंट आखिर टीचर की वजह से कैसे लेट हुए? तो दोस्तों रीजन आप खुद ही देख लीजिए और हंसिए और खूब खिलखिलाइए। आज क्यों लेट हो, क्या एक्सक्यूज है इस बार? मैम एक्सक्यूज नहीं है, हम तो आप ही के कारण लेट हुए। अच्छा, मेरे कारण? यस मैम, वो आप कहते ना कि सारे रूल्स फॉलो करो, तो हम इसमें रोड क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ लिखा था कि आगे स्कूल है कृपया धीरे चले, तो हम धीरे धीरे आए। पापा की परियों का दिमाग ना भैया कंप्यूटर की तरह दौड़ता है। यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को ही देख लीजिए, जहां एक होटल में सीबीआई की टीम छापा मारती है और मैडम से कहते हैं आपको हमें सपोर्ट करना होगा, हम सीबीआई से हैं। पहले तो मैडम कुछ समझ ही नहीं पाती और जब अधिकारी बार बार सीबीआई की तरफ से जांच की बात करता है तो मैडम कहती है कि उनके होटल का अकाउंट तो एसबीआई बैंक में है, तो सीबीआई की टीम होटल में कैसे आ सकती है? अब जरा इन्हें समझाइए। मैडम की ये बात सुनकर ऑफिसर भी अपना सिर पकड़ लेता है। इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं करेगा सीबीआई की तरफ से हम लोग, मैम प्लीज कोऑपरेट कीजिए, अपने स्टाफ से बोलिए कोऑपरेट करने के लिए। मुझे कुछ एक्साइज की चोरी का इन्फॉर्मर्स थे हमारे पास, एक्साइज की और टैक्स की चोरी के लिए, तो हमें आपका इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। रोए अंदर जाओ। ये बड़ी अच्छी बात है। अब दो दोस्त खाना पकाते हैं तो खाने में नमक क्यों ज्यादा होता है? अब बताइए, एक वो बेचारा था जिसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी और अब एक ये है जो लड़कियों को घुमा रहा है, क्या जमाना आ गया है? हे भगवान, जेल में बंद मोहतरमा के सामने जनाब झूठे मूठे आंसू बहा रहे हैं। मोहतरमा के जाते ही दूसरी हवलदार साहिबा को आंख भी मार रहे हैं और जेल से बाहर निकलने के बाद किसी और ही लड़की की बाहों में बाहें डाल रहे हैं। कलयुग है भैया, बहुत कलयुग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ये मैडम अपने मियाँ जी के साथ बाजार में सब्जी खरीदने आई हैं और सब्जी वाले से कहती हैं भैया गाजर दे दो, लेकिन जब सब्जी वाला गाजर देता है तो मैडम कहती हैं ये वाली नहीं, वो दूसरे कलर वाली गाजर। अब सब्जी वाला भी परेशान हो जाता है तो मैडम कहती हैं सफेद कलर वाली गाजर जो सैलेड में यूज होती है और उसके पराठे भी बनते हैं। सब्जी वाला परेशान कि तभी एक और शख्स वहाँ पर मूली लेने के लिए आ जाता है। सब्जी वाला जैसे ही उसे मूली देता है मैडम कहती हैं हाँ हाँ भैया यही वाली गाजर यही चाहिए। अब मैडम की मूली गाजर पर सब्जी वाले और उनके मियाँ जी का जो रिएक्शन है वो तो आपको देखना बनता ही है। और बताइए जी, और क्या दे दूं? और ना आप गाजर कर दो। ये लीजिए जी, गाजर दे देता हूँ आपको। ये कलर नहीं, कोई दूसरा कलर दिखाओ। ओ बहन जी, गाजर कौन सी दूसरे कलर की होती है, यही होती है गाजर तो। दूसरे कलर की आती है वो बहन जी, एक लाल कलर की होती है, लेकिन वो ना सर्दियों में आती है, ये अभी ऑफ सीजन की गाजर है, इसी कलर की होती है, यही है हमारे पास, देखो और कहीं भी नहीं मिलेगी और कोई गाजर आपको। आती है व्हाइट कलर की आती है। बहन जी व्हाइट कलर की कौन सी गाजर होती है, मैं इतने टाइम से सब्जी बेच रहा हूँ मैंने तो आज तक नहीं देखी। वो सैलेड में डलता है, उसके पराठे भी बनते हैं। गोभी तो नहीं कह रहे, गोभी के पराठे बनते हैं? नहीं, गाजर ही होती है वो। भाई साहब ये एक किलो मूली कर देना। हाँ हाँ भाई मूली देता हूँ यार, तुम्हें तो देता ही हूँ। हाँ हाँ यही गाजर चाहिए। ये गाजर? हाँ यही चाहिए। मूली को गाजर? कौन है ये लोग,
कहां से आते हैं? साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल पहुंचते रहेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।